क्योंकि वो भूमि गोचरियों का स्थान थोड़ी था, वो तो विद्याधरों का स्थान था, रमणीय स्थान था। आपके जैसे छिपी टोले जैसे थोड़ी कि वो उतनी जगह में 1,000 मकान बने, इधर से निकल जाओ फिर इधर से निकल जाओ फिर इधर से निकल जाओ, कितनी पतली पतली गलियां हैं आपके यहाँ। सुना आचार्य विद्यासागर जी एक बार बोल रहे थे, किसी ने पूछा कि आचार्य जी छिपी टोला के में समय दीजिए, तो उन्होंने कहा वो आगरा का छिपी टोला वही जहाँ वो पतली पतली गलियां हैं। तो आपके यहाँ की गलियां और बंदर दो चीजें तो कोई भूल नहीं सकता, एक विपत्ति, एक एक सुख की आकांक्षा बहुत बड़ी बड़ी विपत्तियों को लाकर खड़ा कर देती हैं। जब वो जनक वहां पहुंचे, उन्होंने वह रमणीक सुंदर स्थान को देखा, थोड़ी देर वहां पर विश्राम किया। अब विपत्ति में तो फंस ही चुके हैं, ये तो समझ में आ गया था कि विपत्ति में तो फंस चुके हैं, थक गए हैं बहुत दूर से, वो अश्व बहुत देर से उड़ा उड़ा के लाया है, थक गए हैं, थोड़ा विश्राम किया। फिर उन्होंने कुछ पग चलते हुए अपने हाथ में तलवार लेकर के, और देखा दूर पे तो कोई बहुत सुंदर गोपुर द्वार दिखाई दे रहे थे। निशंक होकर के अपने हाथ में तलवार लेकर और उस गोपुर द्वार में प्रवेश किया। जैसे ही प्रवेश किया, सुंदर वापिकाएँ, सुंदर सुंदर मालाएँ, सुंदर सुंदर वृक्षों से वह नगर पूरा सुशोभित था, बहुत सुंदर रमणीक दिखाई पड़ रहा था। ऐसे उस रमणीक स्वर्ग ओ भवन ओ नगर को देखकर उनके मन में वो ऐसा विचार उत्पन्न हुआ कि असल में मुझे कहीं स्वर्ग में ला के छोड़ गया क्या, यह कहीं नागेंद्र का भवन है ये, या किसी विद्याधर की नगरी है, ये कौन सा स्थान है? ऐसा स्थान तो मैंने अपनी लाइफ में, जीवन में, लाइफ नहीं मतलब उनके समय में लाइफ नहीं चलती थी, जीवन चलता था, तो ऐसा रमणीक स्थान तो मैंने अपने जीवन में कभी भी नहीं देखा। और उसकी सुंदरता को निहारते निहारते वे आगे चले जा रहे थे, वहां उनको बहुत सुंदर जिनेन्द्र भगवान का आलय दिखाई दिया, चैत्यालय दिखाई। सो उन्होंने तुरंत ही अपनी खड़क को मयान में वापस रखा और रखकर सीधे उन्होंने उस मंदिर के अंदर प्रवेश किया। भगवान जिनेंद्र की प्रतिमा को देखकर उनको गदगद भाव उत्पन्न हुआ। अचेत नवीन मतलब पहली बार दर्शन किया था उसको बोलते हैं, कौन सी चैत्य वंदना, प्रथम बार जिस चैत्य को दर्शन करते हैं शब्द, ऐसे उस नवीन चैत्य की वंदना की। नवीन से अर्थात उनके लिए नवीन था, वैसे तो वो प्राचीन था, पर उन्होंने कभी उस चैत्यालय की वंदना नहीं की थी। ऐसे उस चैत्यालय की, जिन मंदिर की, जिनेन्द्र भगवान की वंदना करके और वह बहुत सुंदर भगवान का स्तवन और भक्ति गाने लग गए। इधर वह जो चपल वेग नाम का जो विद्याधर था, जो अश्व बना था, वह जाकर के चंद्रगति के पास, चंद्रगति के पास पहुंचा और जाकर उसने कहा, स्वामिन मैंने आपका काम पूर्ण कर दिया है, मैं राजा जनक को अश्व बन करके वहां उनकी नगरी से हर कर ले आया हूं, और मैंने उनको अपने नगर के बगीचे में जो मंदिर हैं उन मंदिरों में ठहराया है, वो वहीं रुके हैं। ऐसा सुनकर चंद्रगति बड़ा हर्षित हुआ कि अब हमारा काम सफल हो गया, सपने संजोने लग गया कि अब हमारा पुत्र, क्या नाम था, भामंडल, उस परम प्रिया का समागम प्राप्त कर लेगा, जिसके कारण वह अत्यंत दुर्बल हुआ जा रहा है, दुखित है, उत्कंठित है, ऐसा वह भामंडल अब सुख को प्राप्त करेगा। पर मिलन कैसे करें, इसलिए उन्होंने आदेश किया अपने भृत्यों को कि शीघ्र ही भगवान जिनेंद्र की पूजन के लिए थाल सजाए जाएं और उसमें तुरंत के चुने हुए पुष्प, ऐसा मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूं, इसमें लिखा हुआ है, नवीन तुरंत के चुने हुए पुष्प और स्वर्णमय बनाए हुए पुष्प, रजतमय पुष्प और वापिकाओं से भरा हुआ सुंदर जल, ऐसा सुंदर सुंदर अष्ट द्रव को लेकर के वे चंद्रगति विद्याधर कहाँ पहुंचे, उसी जनालय में जहां पर राजा जनक भगवान की भक्ति कर रहे थे। आहट सुनते ही उनको लगा शायद कोई शत्रु आ गया, तुरंत ही जनक भगवान की प्रतिमा के जाके पीछे परिक्रमा का जो स्थान होता है उसके नीचे जाकर छिप गए। चंद्रगति विद्याधर जब भगवान के दर्शन करने पहुंचा, उसने बहुत बड़ी द्रव्य चढ़ाते हुए भगवान जिनेंद्र की स्तुति गाते हुए दिव्य पूजा को प्राप्त किया। उसने कहा, हे भगवान, इस जगत में आप सा कौन होगा, शब्द हिंदी के अपने हैं, उसने स्तुति रूप में कहा होगा कि भगवान आपके जैसा और इस जगत में कौन होगा, आप ऐसे अद्वितीय सूर्य हो जो कि
स्वयं का स्वयं को भी प्रकाशित कर चुके हो और सारे जगत को प्रकाशित करते हो। जगत के सूर्य में तो तेज होता है, परंतु हे प्रभु आप तो ऐसे निर्मल कांति के धारक ऐसे सूर्य हो कि जो आपके चरणों में आता है वो संताप को नहीं शीतलता को प्राप्त करता है। चंद्रमा यद्यपि शीतल होता है, परंतु प्रभु आपकी उपमा तो मैं चंद्रमा से भी नहीं कर सकता हूं, क्योंकि चंद्रमा तो दाग से सहित होता है, उसमें तो कलंक है। आप तो कर्म कलंक से रहित निष्कलंक परमात्मा हो। इस प्रकार बड़ी उदार चित्त होकर के उसने भगवान की अनेक अनेक शब्दों से अनेक अनेक वर्णन करते हुए उसने भगवान जिनेंद्र की स्तुतियां की। उन स्तुतियों को सुनकर जनक को यह निर्णय हो गया कि यह कोई मेरा शत्रु नहीं, ये तो मेरे ही तरह भगवान जिनेंद्र का अनन्य भक्त है। और वो तुरंत ही प्रतिमा के पीछे से बाहर निकल कर आ गए। जब वो बाहर आए तो चंद्रगति ने उनको देख करके बड़ी सुंदर सी एक स्माइल दी, बोले तो मुस्कान दी और कहा, हे भद्र पुरुष, आप तो विद्याधर प्रतीत नहीं होते हैं, जानता तो सब था, पर बात कैसे शुरू करें। अब जनरल में ऐसा होता है, कोई नया व्यक्ति मिलता है उससे चर्चा करना होता है, तो अब सीधे कैसी बात करें, तो क्या पूछते हैं, आज मौसम बड़ा गर्म हो रहा है। अरे भाई उसको भी गर्मी लग रही है, वो भी तो धूप में खड़ा है, तुम भी धूप में खड़े हो, पर पूछेंगे आज मौसम थोड़ा गर्म लग रहा है, आज मौसम कितना सुंदर है, अच्छी बढ़िया हवा, बढ़िया ठंडी ठंडी हवा चल रही है, उसको भी पता है ठंडी ठंडी हवा चल रही, पर बात करने का बहाना चाहिए होता है। तो ऐसे ही उसने मुस्कुराहट देते हुए कहा, हे भद्र पुरुष, आप इस विद्याधर लोक के तो नहीं लगते हैं, आप कौन हैं, कहाँ से पधारे हैं और अचानक यहाँ कैसे पधारे। तब राजा जनक ने अपने पूरे वृत्तांत को कहा कि जाने कौन विद्याधर, कोई मायावी अश्व था, वो अश्व उसने मुझे अपने प्रलोभन में फंसा लिया और मुझे जब मैंने उसकी सवारी की तो वो मुझे उड़ा के ले गया और लेकर के उसने मुझे आपके ही बागान में यहाँ पटक दिया। तो सुंदर सुंदर रमणीक स्थान को देख करके मैं जैसे ही गोपुर द्वार से आपके नगर में प्रवेश किया तो मुझे भव्य जिनालय दिखाई पड़ा, इसलिए मैं जिनेंद्र भगवान की भक्ति करने के लिए यहाँ आ गया। मैं मिथिलापुरी का राजा जनक हूँ। उसने सब अपने बारे में जैसा भी क्षेत्र आदि का वर्णन था उसका वर्णन करके बताया। तब उन्होंने कहा, अरे आपकी कीर्ति तो दिग्दिगंत तक फैली हुई है, आपको कौन नहीं जानता है, आपको तो विश्व में कौन ऐसा पुरुष होगा जो आपको नहीं जानता है। मैं तो ये भी जानता हूँ आपकी एक पुत्री है जो सर्व लक्षणों से सुशोभित है, सुंदर है और सभी का मन मोहने वाली है, उसका नाम विदेही, विदेही है, माता का नाम विदेहा था, इसका आपकी पुत्री का नाम विदेही है। और यूं कहूं तो मेरा पुत्र भामंडल आपकी पुत्री विदेही को मन ही मन बहुत प्रेम करता है, उसने एक बार चित्रपट में आपकी बेटी का चित्र देख लिया तब से वह उसी में रमण करता है, इसलिए क्षमा कीजिए, यह है कार्य मेरे ही द्वारा करवाया गया था, मैं विद्याधर हूं इसलिए आपके आने में संकुचित था, इसलिए मैंने ही आपको वहां से बुलवाया है। तब जनक ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, इस तरीके से बुलवाने का प्रयोजन। तो उन्होंने कहा कि हे जनक, मेरा पुत्र भामंडल आपकी पुत्री में रमण करता है, उसी में मोह को प्राप्त हुआ है, इसलिए मैं चाहता हूं कि आप हमारे संबंध को स्वीकार करें और हमारे पुत्र भामंडल को अपना जामाता स्वीकार करें। तब जनक ने हाथ जोड़कर विनम्र होकर कहा, राजन मेरा सौभाग्य होता कि मैं अपनी पुत्री को विद्याधरों के पास देता, परंतु मैं मन ही मन राम को अपनी बेटी का वर चुन चुका हूं। राम कौन है, ये राम कौन है, अथवा अभी आपने मन में ही निर्णय किया है
अभी आपने संबंध स्थापित नहीं किया है, इसलिए उस संबंध के विच्छेद में कोई हानि नहीं है। यदि आपको कुछ उच्च वस्तु प्राप्त हो रही है तो निम्न वस्तु को छोड़ने में कोई हानि नहीं होती है। हम विद्याधर हैं, हम लोग विद्या के बल से आकाश गमन करते हैं, उस भूमि गोचरी में, उस सामान्य से पुरुष में और त्रियंच में भेद ही क्या होता है। इसलिए आपका आपके लिए यही योग्य होगा कि आप अपनी पुत्री को हमारे पुत्र भामंडल के लिए दे। तब राजा जनक ने कहा, राम दशरथ, राम उनके पिता दशरथ मेरे परम उपकारी हैं, उन्होंने हमारे राज्य का, राज्य के ऊपर पड़ी विपत्ति का हनन करके हमारे राज्य की रक्षा की है, इसलिए मैं उनका ऋणी हूँ। मैं अपनी सारी संपत्ति देकर भी उनके ऋण का बदला नहीं चुका सकता हूँ, इसलिए मेरी सर्व संपत्ति तो मेरी पुत्री ही है, इसलिए उनको ही देने का मैंने निश्चय किया है। तब क्रोधित होकर के चंद्रगति ने कहा, किसी ने सत कहा है, किसी ने सच ही कहा है, बालक यानी बुद्धिहीनों की चेष्टा विष फल को खाने में ही होती है। बालक बुद्धि वालों की, ये जो विवेकहीन लोग हैं, उनकी चेष्टा सुंदर देखते हुए विष फल को खाने में होती है। और आप जो हम भूमि गोचरियों के हीन समझते हैं, इससे ही आपकी बुद्धि के पता चलता है कि आप बहुत छोटी बुद्धि के हैं। इतना निर्भीक होकर के उसने सारी बातों को कहा। तब चंद्रगति बड़े खेद को प्राप्त हुआ, यदि ये अपनी पुत्री नहीं देता है तो मेरा वचन निरर्थक चला जाएगा। मैं तो अपने पुत्र को वचन दे चुका हूँ कि तेरा समागम सीता से अवश्य होगा। तब उसने एक रणनीति खेली। उसने कहा, हे जनक, यदि ऐसा ही है तो ठीक है। आप उस राम के इतने यशगान गाते हो, उन दशरथ के इतने गुणगान आप गा रहे हो, हम भी देखते हैं कि वे राम और वह दशरथ कैसे पुरुष हैं। क्या भूमि गोचरियों में ऐसा कोई बलशाली पुरुष है जो हम विद्याधनों की बराबरी कर सकता हो, हम देखना चाहते हैं। और यदि वह अपना बल भूमि गोचरियों से अधिक प्रदर्शित करते हैं तो हमें कोई आपत्ति नहीं है, आप अपनी कन्या का विवाह उस राम से कर देना। परंतु हमारी एक शर्त है, यदि आपका राम उस शर्त को पूर्ण करता है तो वह आपकी जानकी से विवाह कर सकता है, अन्यथा हम उसका हरण करके यहाँ पर ले आएंगे और आपके राज्य को भी नष्ट भ्रष्ट कर देंगे। हमारे यहाँ देवों के द्वारा प्रदत्त दो विशालकाय धनुष हैं जिनका नाम वज्रावर्त और चंद्र सागरावर्त। हमारे यहाँ देवों के द्वारा प्रदत्त दो धनुष हैं जिनका नाम वज्रावर्त और सागरावर्त है, वे सामान्य धनुष नहीं है। ऐसे धनुष हैं, सैकड़ों हजारों यक्ष देवी देवता उन धनुषों की रक्षा करते हैं और साक्षात इंद्र भी उनकी उन्हें धनुष के ऊपर डोरी चढ़ाने के लिए समर्थ नहीं है। यदि आपके राम उस वज्रावर्त पर्वत पर धनुष पर डोरी चढ़ा देते हैं तो फिर आप अपनी सीता का विवाह उनसे कर देना, अन्यथा वहीं विवाह मंडप से हम सीता को उठा कर ले आएंगे। मरता क्या ना करता बेचारा, भरोसा करके उन्होंने कहा। चूंकि उन्होंने धनुष तो देखे नहीं थे, उन्होंने सोचा कोई होंगे धनुष, तो राम तो धनुष चलाने में माहिर है, राम तो चढ़ा ही लेंगे। उन्होंने सहज ही स्वीकार कर लिया, ठीक है हम स्वीकार करते हैं। तब उन्होंने तुरंत ही चंद्रगति ने अपने अनुचरों को आदेशित किया और वह दिव्य धनुष मंगाए गए। जब वे धनुष सामने आए, वे धनुष हल चक्र गदा खड़ग आदि अनेक अनेक सारे शस्त्रों से विभूषित थे, विशालकाय थे और जो देखने में ही ऐसी कांति को छोड़ते थे, ऐसा तेज छोड़ते थे कि साधारण आंखों से तो उनको देखा ही नहीं जा सकता था। यदि कोई उनको पास छूने भी जाता था तो जैसे सर्प फुंकारे मारता है, ऐसे वह धनुष फुंकारे मारने लग जाते थे, अपने अंदर से ज्वालाएं फेंकने लग जाते थे। ऐसे वे दिव्य धनुष को जैसे ही दशरथ जनक ने देखा,
वो उनको तुरंत पछतावा होने लग गया, हाय हाय मैंने ये क्या शर्त रख ली, क्या मंजूर कर लिया, मैंने तो सोचा था कोई सामान्य धनुष होंगे पर ये तो कोई विशालकाय दिव्य तेज को धारण करने वाले कुल विशाल ही धनुष हैं, अद्वितीय ही हैं, इनको राम कैसे डोरी चढ़ा पाएंगे, मेरी तो सीता, मेरी सीता का तो छल से इस विद्याधर ने हरण कर लिया, हाय सीते हाय सीते अब मैं तेरी रक्षा कैसे करूं, ऐसा मन में शोक धारण करते हुए, पर वचन तो दे चुके थे इसलिए राजा जनक और चंद्रगति आदि बड़े बड़े विद्याधर युग कुमार अपने राजाओं सहित उसे उन दिव्य धनुषों को लेकर के और राजा जनक की नगरी में मिथिला नगरी में पहुंचे। वहां नगर के बाहर एक बहुत विशाल प्रांगण था, उस प्रांगण में ही सारे के सारे विद्याधरों ने उन धनुषों को बीच मैदान में स्थापित किया और स्थापित करके उनकी बहुत दिव्य पूजन की। दूसरे दिवस ढोंडी पीटी गई, भेरी पीटी गई और देश देश के राजाओं को स्वयंवर में बुलाया गया, उन्होंने कहा स्वयंवर से निर्णय होगा, तो फिर स्वयंवर रचा गया। जब बात तो वैसे रामचंद्र के डोरी चढ़ाने की थी पर उन्होंने कहा जब इस विधि से विवाह होना ही है तो फिर और लोगों को भी मौका दिया जाए, इस प्रकार से फिर स्वयंवर की रचना हुई और उसी क्षेत्र में स्वयंवर का पंडाल बनाया गया जहाँ पर बड़े बड़े देशों के राजा आए, कुमार आए, राजकुमार आए, उन सभी को बैठा उस पंडाल में देख करके पूरा पंडाल ऐसा सुशोभित हो रहा था जैसे साक्षात इंद्र का ही विवाह वहाँ पर संपन्न होने जा रहा हो और सारे देवतागण वहाँ पर आकर के उस पंडाल की शोभा को दैदीप्तिमान कर रहे हैं। ऐसा जब वो पंडाल बनाया गया तब वहाँ पर उन धनुषों को लाया गया, वो धनुषों के समक्ष सभी विद्याधर, भूमि गोचरी, राक्षस वंशी, बानर वंशी, हरिवंशी, इक्ष्वाकवंशी, सभी जितने जितने राजा महाराजे थे सभी राजे महाराजाओं को, राजकुमारों को वहाँ पर एकत्रित किया गया। उसी समय पर वहाँ पर सीता को बुलाया गया, सीता अपने हाथ में वरमाला लिए और धीरे धीरे नन्हे नन्हे पैरों से वहाँ, नन्हे पैर मतलब कोमल कोमल पैरों से चलते हुए वहाँ पर आई और उन्होंने जैसे ही उस स्वयंवर भूमि में प्रवेश किया तो उनके कंचुकी ने, कंचुकी मतलब होता है एक राजमहलों में एक व्रत होता है जो न पुरुष होता है न स्त्री होता है, इसलिए उसको सारे महल में जाने आने के आदेश होते हैं, छूट रहती है, वो राजाओं के पास भी जा सकता है और रणवास में भी जा सकता है, राजकुमारियों के पास, विशेषतः राजा की राजकुमारी आदि की सेवा उनके मन में बहलाने के काम वही कंचुकी करता है। तो कंचुकी ने सीता के साथ में आकर बताया कि हे विदेही, ये जिसके सामने तुम खड़ी हो ये अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र पद्म अर्थात राम हैं, उनके ही समूह में खड़ा हुआ ये उनका छोटा भाई लक्ष्मण है, उनके ही और बाजू में भरत और शत्रु नाम के इनके ही दोनों और भाई हैं, ये इनके आगे चल करके जो ये खड़े हुए हैं इनका नाम संजय है, आगे चल करके ये जो खड़े हुए हैं इनका नाम विजय है, ये मरीच हैं, ये जय हैं, ये भानु हैं, ये सुप्रभ हैं, मंदर हैं, ये विशाल हैं, ये श्रीधर हैं, ये वीर हैं, ये बलद्रवल हैं, ऐसे अनेक अनेक राजकुमार राजाओं का उस कंचु ने परिचय कराया, साथ ही बताते जा रहा था ये हरिवंश में उत्पन्न हुए हैं, ये इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न हुए हैं, ये कुरुवंश में उत्पन्न हुए हैं, ये इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न हुए हैं, अनेक अनेक वंशों के चंद्रवंश में उत्पन्न हुए हैं, सूर्यवंश में उत्पन्न हुए हैं, इस प्रकार से अनेक अनेक वंशों में उत्पन्न राजा महाराजाओं का मैं परिचय कराते जा रहा था, साथ में ही यह भी बताते जा रहा था इस राजा के पास विशाल हाथी ही इसका वैभव है, इसके पास जो अश्व है वो किसी राजा के पास नहीं है, इसलिए अश्व भी इसका बड़ा वैभव है, ये विशाल भुजाओं को धारण करने वाला अपने पौरों से सभी के मस्तक को नीचे झुकाने वाला है, इस प्रकार सभी राजाओं महाराजाओं और सभी राजकुमारों का परिचय कराते हुए कंचुकी उस स्थान पर पहुंचा जहां सीता के लिए बैठने के लिए सिंहासन नियुक्त किया गया था। वहां जाकर के सीता ने वरमाला सहित उस आसन को ग्रहण किया, फिर स्वयंवर की प्रक्रिया
प्रारंभ की गई। चंद्रगति के कहने से स्वयंवर प्रारंभ हुआ, उधर स्वयंवर प्रारंभ हुआ और इधर समय अंत हो गया। अब स्वयंवर में क्या हुआ, कैसे हुआ, बहुत कठिन परिस्थिति हो गई, क्योंकि जो धनुष के सामने जा रहा था वो धनुष बड़ा भयंकर हो जाता था। इसलिए अब कल पता करेंगे कि आगे क्या हुआ। नमो अरियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम।